बाद आहार चर्या का मनोहारी दृश्य आप सब देख सकेंगे। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस सममास्तु देवी। हे माँ, जैसे एक बालक माँ से याचना करता है, ऐसे अमित गद्दि आचार्य जिनवाणी माँ से प्रार्थना करते हैं। हम सब लोग परम उन जिनवाणी माँ से प्रार्थना करते हैं। हे माँ, इस केवल ज्ञान महोत्सव पर, कल्याणक पर, मुझे बोधि की रत्नात्रय स्वरूप धर्म की प्राप्ति हो जाए। समाधि आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्मा के स्वरूप में मैं स्थिर हो जाऊं, हे माँ मुझे दे दे, याचना और प्रार्थना है। परिणाम विशुद्धि, जिनवाणी से क्या क्या प्राप्त होता है, जिनवाणी का फल क्या है, क्यों स्वाध्याय करना चाहिए। रत्नात्रय रूप बोधि की प्राप्ति होती है, आत्मा की सिद्धि के लिए समाधि होती है, और परिणाम विशुद्धि भावों की विशुद्धि का मार्केट। यदि भावों में निर्मलता आती है तो जिनवाणी के स्वाध्याय से आती है। स्वात्मोपलब्धि आत्मा की संपत्ति अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, और स्यो सौख सिद्धि अनंत सुख, ऐसा सुख की प्राप्ति जिनवाणी के स्वाध्याय से होती है। शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म का ज्ञान होता है, शब्द ज्ञान से आत्म ज्ञान होता है। शब्दों में अनंत शक्ति है। देखिए, जिनवाणी द्रव्य रूप से जरूर स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि द्रव्य श्रुत का है भाव श्रुत। द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, क्योंकि कारण और कार्य है। जिनवाणी में आजकल जो निजवाणी मिलाई जा रही है, आज के दिन कम से कम एक नियम जरूर ले लेना चाहिए। हम जिनवाणी को जिनवाणी ही रहने दें, उसमें जनवाणी मत मिलाएं। जिनमत को जिनमत ही रहने दें, उसमें अपना निजमत नहीं मिलाएं। आजकल ये बहुत हो रहा है, ये पंचम काल का ही अतिशय है, ये पंचम काल का चमत्कार है। सत्य की ही परीक्षा होती है, याद रखो। अग्नि परीक्षा किसकी हुई थी, किसी वैश्या की क्या या सती की? इसलिए श्रेयांसी बहुविज्ञानी, यदि अच्छा कार्य कर रहे हैं ना तो उसी में विघ्न आता है, याद रखिए। ये महान कार्य हो रहा है। एक विश्व के इतिहास में भगवान भरत की जो मूर्ति बन रही है, अनुपम और अद्वितीय है। श्रुत किसे कहते हैं? श्रुत्वा श्रुत्वा आगतम इति श्रुतम। जो भगवान तीर्थंकर के मुखारविंद से निकला, गणधर ने, पूर्वाचार्यों ने सुना, और उनके सुन सुन के जो आ गया है, उसे हम श्रुत कहते हैं। और यही श्रुत हमारे लिए, यह श्रुत ज्ञान भविष्य में ही यह सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान का कारण बनता है। भवात्माओं, श्रुत ज्ञान और जिनवाणी का स्वाध्याय क्यों होना चाहिए? आतत्व में जो अनादिन कालीन से जीव की आतत्व में तत्व बुद्धि हो गई है, अदेव में देव का अभिप्राय हो गया है, अनागम में आगम बुद्धि है, आचारित्व में चारित्व बुद्धि है, और अनेकांत में जो एकांत बुद्धि हो गई है, मूलाचार ग्रंथ में
गाथा नंबर 268 में कहा गया है। इसलिए आज भगवान का केवल ज्ञान है, यह केवल ज्ञान हम सब भगवान भरत का, ऐसा ही भगवान भरत थे कि उन्होंने आज केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो हम सब लोगों को भी यह केवल ज्ञान प्राप्त हो। अब भगवान की आहारचर्या का हो रहा है, तो आप लोग इस दृश्य को भी सभी लोग देखेंगे। जब लो तीर्थंकर महामुनि ऋषभ देव भगवान की जय, तीर्थंकर महामुनि ऋषभ देव भगवान की जय। प्रतिष्ठाचार्य जी भगवान की प्रतिमा को लेकर आहारचर्या के लिए निकल गए हैं। बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। जब भगवान को आहार देने की विधि किसी को भी मालूम नहीं हुआ करती थी, ऐसे समय में भगवान ने 6 महीने तक चर्या करके और अदृश्य मुनिचर्या को, अर्थात जो किसी को नहीं मालूम थे, ऐसी मुनिचर्या को दिखाने का जो प्रयत्न किया, उसी के अनुसार आज हम सबको मुनिचर्या का दिग्दर्शन हो रहा है। मुनियों को निर्विघ्न रूप से आहार प्राप्त हो रहा है। देखो भव्यात्मागण, कोई कह रहा है भगवान जी मुकुट ले लीजिए, कोई कह रहा हार ले लीजिए, कोई कह रहा सिंहासन ले लीजिए, कोई कह रहा पूरा राज्य ले लीजिए, भगवान आप इस तरह से क्यों भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान मुस्कुराते और आगे चले जाते। चलते चलते 6 महीने 39 दिन के बाद, यानी 6 महीने तो ध्यान में निकल ही गए, पुनः 6 महीने 39 दिन के बाद, यानी 1 साल 39 दिन के बाद जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं, तो क्या होता है इसी दृश्य को आप सबको देखना है। हरे 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 बोले बड़ा धन। बोलो बोलो हेलो 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 बोलो बड़ा बोलो हेलो बोलो हेलो ठीक है हेलो 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 थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ किट भाई, हल्का सा वॉल्यूम और दो और दो और दो। हेलो बस ठीक है, फैन दो। हेलो प्रभु ऋषभ देव का आहार हो रहा हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। हेलो हेलो माइक वाले लीड को थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, माइक वाले लीड का हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो बढ़ाओ ग्रैंड बढ़ा दो ग्रैंड। हेलो हेलो और थोड़ा सा और। हेलो हेलो प्रथम प्रभु का प्रथम पारणा प्रथम बार जब हुआ मैं माइक का वॉल्यूम बढ़ा दो। श्रेय की दृष्टि हुई थी चौके का वो जन अक्षय हुआ तब अक्षय हुआ तब अक्षय हुआ। भक्ति में विपुल संसार हो रहा हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। भक्ति में विपुल संसार हो रहा
हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। अक्षय तृतीया पर्व आया अक्षय तृतीया पर्व। हस्तिनापुर से चला प्रथम आहार दान का पर्व आया अक्षय तृतीया पर्व आया अक्षय तृतीया पर्व। भगवान की विधि भगवान ऋषभदेव की विधि हस्तिनापुर नगरी में राजा सुहास के महल में हो चुकी है। जयकार के साथ सब लोग बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। भगवान ऋषभदेव के आहार की विधि एक वर्ष के पश्चात आज यहाँ पर राजा सुहास के महल में हुई है। चलिए तीन प्रतिज्ञा हो गई क्या? बोलो मंसूर जी यहाँ आ गया हो। चलो बोलो यहाँ से आप बोलो मंसूर जी। चलिए पैर पैर जल डालो पाद पुच्छाल। अब अभी सब लोग इसे मंडप के बाहर रहेंगे, पहले इनकी विधि पूजा होने दीजिए। आहार देने वाले सब लोग बाहर रहेंगे, केवल ये इनका परिवार रहेगा। पहले इसको रख दो, प्रगान हो गया। थोड़ा सा सब लोग रुक जाओ पांच मिनट के लिए, एक बार विधि पूरी होने दो। चलिए हे भगवान विराजमान होइए, उच्च आसन विराजिए। अब पाद पिछाल करिए भगवान का। बाद में सब लोग जाओ, पहले पूजा होने दो भगवान की। पाद पिछाल हुआ, अब भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा। ओम रीम भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में ये स्थापना करो। ओम रीम भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अत्र अवतर अवतर सम्भोषण आवाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा अत्र मम सन्नी तो भवसठ सन्नीकरण स्थापना। ओम रीम श्री ऋषभदेव जी नंदाय जन्म जरा मृत विनाशाय जलम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम श्री ऋषभदेव जी नंदाय संसारता विनाशाय चंदनम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम श्री ऋषभदेव जी नंदाय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम श्री ऋषभदेव जी नंदाय कामबाण रुद्रस्नाय पुष्पम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम श्री ऋषभदेव जी नंदाय क्षुदारोग विनाशाय नैवेद्यम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम श्री ऋषभदेव जी नंदाय अष्ट मोहांधकार विनाशाय दीपम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम श्री ऋषभदेव जी नंदाय अष्ट कर्म दयनाय धूपम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम श्री ऋषभदेव जी नंदाय मोक्षफल प्राप्ति फलम नृपामीति स्वाहा। सुचि निर्मल नीरम गंध सुक्षत पुष्प चरुले मन हरसाय दीप धूप फल आर्य सुलेखर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बल जाओ मन बतिकाय। हे करुणानिधि भव दुख मेटो जाते मैं पूजू प्रभु पाए। ओम रेम 1008 भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम समर्पयामि निरूपामीति स्वाहा। शांतये शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि जपेत। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब लोग बोलिए मन यहाँ पे। हाँ इसको हटा दीजिए, सामग्री हटा दो। देखो आहार प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा। राजा श्रीहान पहले उनका परिवार आहार देगा, उसके बाद भगवान के माता पिता आहार देंगे, सौधर्म इंद्र ईशान इंद्र और यज्ञ नायक धन कुमेर, एक क्रम क्रम से आकर के एक एक परिवार आहार देंगे, बाकी लोग उसके बाद। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से पारस चैनल पर आहार का पूरा दृश्य जा रहा है,
इसलिए सब लोग एक बार सब लोग शुद्धि बोलिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हमारे पास में जनेऊ है, हम अष्टमूल के धारक हैं, हमारा सप्त व्यसन का त्याग है और आज रात्रि में कोई भोजन नहीं करेगा। ठीक है, जिनका आजीवन त्याग है बहुत अच्छा है, और जिनका त्याग नहीं है तो कम से कम आज रात्रि में कोई भोजन नहीं करेगा। ठीक है, अब राजा श्रेयांश के हाथ में इक्षुरस, देखो सबसे पहले इक्षुरस का आहार हुआ था, राजा श्रेयांश ने भगवान ऋषभदेव को इक्षुरस से आहार दिया था, तो सबको एक इधर से ही आना है, उधर से लाइन लगा लो। अब हमारे बीच में श्री अभय कुमार जी जैन प्रीत बिहार दिल्ली और श्री अतुल कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज भगवान भरत के और 24 तीर्थंकर के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर विधि नायक भगवान ऋषभ देव की जो प्रतिष्ठा चल रही है उसमें राजा श्रेयांश और राजा सोमप्रभ दोनों भाई हैं, एक राजा श्रेयांश है एक राजा सोमप्रभ है, दोनों भाइयों ने आज यहाँ पर आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सब लोग उसी तरफ से आ जाना लाइन से क्रम क्रम से, हाँ बहुत अच्छे से होगा, सबका फोटो भी अच्छे से आएगा, कोई जल्दबाजी मत करना, थोड़े ही लोग हो, कोई ज्यादा लोग तो है नहीं, एक एक बार करके चलते रहो भाई। हाँ दो दिलवाओ दिलवाओ, ठीक से दो, आप ठीक से दो, फोटो लो ठीक से पूरे परिवार का, हाँ दो और क्या और देना है, और दिलवाओ दिलवाओ दिलवाओ। भगवान ऋषभ देव का आहार राजधानी दिल्ली के अंदर, भरत स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा, 24 तीर्थंकर हिरिम के रत्न प्रतिमाओं की पंच कल्याण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्री अभय कुमार जैन और उनके बड़े भाई श्री अतुल कुमार जैन, राजा श्रेयांश के बड़े भाई थे सोमप्रभ, बड़े थे ना क्यों माता जी, हाँ तो बड़े भाई हमारे अतुल जी हैं और छोटे भाई हमारे अभय जी हैं, दोनों भाई और उनके परिवार की ओर से उनके पुत्र सब लोग मिलकर के आज राजा श्रेयांश और सोमप्रभ का ये बहुत सुंदर भाग्यशाली सौभाग्यशाली पद होता है, क्योंकि भगवान ऋषभ देव का एक साल के उपवास के बाद आहार हुआ था, ऐसा सौभाग्य राजा श्रेयांश ने प्राप्त किया था, वो राजा श्रेयांश की पदवी आपको प्राप्त हुई है, राजा श्रेयांश के समान आप देव सात गुरु के भक्त रहे, हमेशा दान करते रहे, गृहस्थ धर्म के अंदर दान और पूजा ये जो मुख्य कर्तव्य है इनका पालन करते हुए आपके जीवन का इसी प्रकार से सुंदरता के साथ भव्यता के साथ सौभाग्य के साथ निर्वहन होता रहे। आपको दो कलश हाँ, अब इसके बाद जो भगवान के माता पिता हैं जिन्होंने भगवान को जन्म दिया है वो भी आहार देना चाहते हैं, उनको भी आइए माता पिता जी आइए पहले, हाँ दीजिए दीजिए, हाँ हाँ डालो, आओ रे आओ खुशियां मनाओ। इसके बाद सौधर्मेंद्र जो बने हैं माता पिता, सौधर्मेंद्र माता पिता दीजिए, जल्दी करिए जल्दी, अनिल जी अनिल कुमार जी जल्दी करिए, दोनों हाथ दोनों दोनों के हाथ में दे दो, हाँ सब लोग शुद्धि बोल करके और पवित्र भावों से भगवान को आहार दे रहे हैं, और जिनकी जो राशि इच्छा हो, जब दान देते हैं आहार देते हैं तो कुछ ना कुछ राशि भी भेंट करते हैं, तो जो भी राशि आपकी इच्छा हो वहां रसीद बनवा लेना या वहां पर लिखवा देना, जिनकी जो इच्छा हो 5100 रुपए 11000 रुपए 51000 रुपए 1,00,000 रुपए भगवान के आहार में दिया हुआ राशि आपको असंख्यात गुणा फल देने वाला होता है, क्यों बताओ आज आहार दान दे रही है, अनुमोदना भी कर रहे हैं, और इस तरह से आहार दान में आज के दिन पंच कल्याणक में जब हम राशि देते हैं कुछ भी राशि देते हैं उसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है, साक्षात चक्रवर्ती जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है, नौ निधियों के धनी बनते हैं, 14 रत्नों के धनी बनते हैं, और अनंत पुण्य के उदय से आपका ये पुण्य तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होता, ये ध्यान रखना। जिनवानी में कहा है कि भगवान के
आहार दान में अनुमोदना करना, आहार देना, उस समय जो भी दान राशि देते हैं, आपका इतना पुण्य बलवान होता है, इतना पुण्य बलवान होता है कि जब तक आपके आत्मा परमात्मा नहीं बनती तब तक ये पुण्य आपका पीछा नहीं छोड़ता, ये ध्यान रखना। तो आज इस दिन का महत्व है, आइए इस अयोध्या नगरी में। अब पूज्य स्वामी जी के हाथों से यहाँ पर आहार दान हो रहे हैं, सभी लोग अनुमोदना करें। जो भी महानुभव आहार दान तो दे रही है लेकिन जो दे नहीं रही है वो अनुमोदना करें, क्योंकि अनुमोदना से ही भरत और अनेक जीवों का उस पर उनका भी आत्मकल्याण हुआ था। एक साधु के आहार में आहार दान करते हैं, अनुमोदना करते हैं, तैयारी करते हैं, मदद करते हैं, ये सारी चीजें पुण्य उदय से ही प्राप्त होती है। सप्तम भट्टाचार्य अनेकांत सागर जी मुनि महाराज ससंग सानिध्य में है, उसी तरह से परम गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा शिरोमणि आरिका चंदनामती माता जी, इनके साक्षात विराजमान होने से यहाँ पर नाद वजय देवों किया राजा भरत। राजा भरत अयोध्या से आ बोल दान तीर्थ की जय आया, अक्षय तृतीया पर्व है आया, अक्षय तृतीया पर्व, अक्षय तृतीया पर्व है आया, अक्षय तृतीया पर्व। देव का हार हो रहा, प्रभु ऋषभदेव का हार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा, प्रभु ऋषभदेव का हार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा, प्रभु ऋषभदेव का, प्रभु ऋषभदेव का, प्रभु ऋषभदेव का आहार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा, प्रभु ऋषभदेव का आहार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। ऋषभदेव का आहार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा, ऋषभदेव का आहार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। प्रथम प्रभु का प्रथम पारणा, प्रथम बार जब हुआ महल में, श्रेय की दृष्टि हुई थी, चौके का भोजन अक्षय हुआ तब, अक्षय हुआ तब, अक्षय हुआ। भक्ति में विपुल संसार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा, भक्ति में विपुल संसार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। नगरी अयोध्या से आकर श्रेयांश का सम्मान किया था, सम्मान किया था, सम्मान किया था, दान तीर्थ के प्रथम प्रवर्तक कहकर उन्हें बहुमान दिया था, बहुमान दिया था, बहुमान दिया था। राजा के महलों में मन लचार हो रहा,
हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा, राजा के महलों में मंगलाचार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। सब मिल अच्छे पिया को आहार दान का पर्व मनाओ, पर्व मनाओ, पर्व मनाओ, चंद नमती आहार दे गुरु को, इच्छु रस का प्रसाद बटवाओ, रसाद बटवाओ, रसाद बटवाओ। देखो भैया धर्म का प्रचार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा, देखो भैया धर्म का प्रचार हो रहा, हस्तिनापुरी में जय जयकार हो रहा। चलो राम बाला का एक नाम लिख लो और